नादौन विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों फैले आंत्रशोथ को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हमीरपुर पहुंचकर हमीरपुर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का पूर्ण जायजा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग को दूषित पेयजल योजना के साथ ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने के आदेश दिए और कहा कि एक सप्ताह के भीतर टेंडर लगाकर 31 मार्च से पहले इसे पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आंत्रशोथ फैलने वाले इलाकों में स्वास्थ्य टीम में और अधिक भेजने के आदेश दिए। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि माना कि क्षेत्र में आंत्रशोथ सनी का प्रमुख कारण पेयजल स्कीम में दूषित पानी का पहुंचना है, इसमें लापरवाही बरती गई है, ये सरकार मानती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इस तरह की घटना दोबारा न हो इसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीमों के नजदीक किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि स्क्रीन के नजदीक खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई जाए, जिसकी जिम्मेदारी स्कीम के SDO व जे की होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध रूप से हो रहे खनन के खिलाफ और जल शक्ति विभाग की स्कीमों के अलावा PWD विभाग के पुलों के नजदीक भी खनन पर कार्यवाही करेगी। उठाने हैं तो हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश दे दिया है। शॉर्ट टेंडर लगेगा, 7 डेज के अंदर जो है टेंडर लगाया जाएगा और जो यहाँ पे स्कीम्स हैं उसके लिए जो है 1 करोड़ रुपए की राशि हम जारी कर रहे हैं तत्काल की, ताकि जो है साफ पानी और स्वच्छ पानी, निर्मल पानी जो है लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। तो इसलिए एक तो ये है कि भविष्य में ना हो तो ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि जो सोर्स है सोर्स में प्रॉब्लम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है वहाँ पे, और उसको ठोक पीट के चलाना भी कोई सही बात नहीं, इसलिए वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लगाने जा रहे हैं और साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डायरेक्शंस स्पष्ट तौर पे दे रखी हैं कि जो लोग भी 1000 के आसपास इफेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पे स्वच्छ पानी मिले, दवाइयाँ मिले, और साथ में जो है सैंपलिंग जो है पानी की हुई है और उनकी रिपोर्टें आ रही हैं और उससे भी उन रिपोर्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि फिजिकली हमने देखा है कि लोग प्रभावित हुए हैं, तो हम रिपोर्टों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो इफेक्टिव कदम उठाने की तरफ ही जा रहे के आदेश दे दिए हैं। और सेकेंडली हमने आदेश दे दिए हैं कि जो IPH स्कीमों के आसपास जो खनन होता है, अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में ये पाया गया कि IPH स्कीम के पास खनन हो रहा है तो उसके अधिकारी जो है FIR करेंगे, और अगर अधिकारी FIR नहीं करेंगे और ऐसा घटनाक्रम होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम माइनिंग जो है सरकारी संपत्तियों के पास माइनिंग प्रतिबंधित है, चाहे वो ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, चाहे हमारे ब्रिजेज हैं, चाहे हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उसके आसपास माइनिंग पूरी तरह अवैध है और ये कानूनन अवैध है। अगर किसी माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से सोर्स पॉल्यूट होता है तो ये हमारे अफसरों का काम है कि उसकी जानकारी देना और उसके FIR कराना। तो ये हम पूरे प्रदेश में हमने निर्देश कर दिए हैं कि सर यहाँ पे कोई IPH विभाग को बेल आउट करने नहीं आया हूँ, कि अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए एक तो भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए एज ए डिपार्टमेंट हमें क्या कदम उठाने हैं, एक तो हम लॉन्ग टर्म उस पर वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली जो यहाँ पे
घटनाक्रम हुआ है दूषित पानी की वजह से, और उस वो परिस्थितियाँ कैसे बनी उसका मूल्यांकन हमने किया है, अधिकारियों से के साथ भी किया है। और हालांकि फौरी राहत के लिए सरकार ने के हर विभाग ने कदम उठाए हैं, वो पानी के विभाग ने भी उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी का हलका है तो पूरी तरह कंसर्न है। और वैसे भी जो है लोगों को स्वच्छ पानी देना, माकूल पानी देना, ये हमारा जिम्मा है। और क्योंकि सरकार हाल ही में बनी है तो परिस्थितियाँ ये पैदा हुई, और हमने इसमें एक तो ये कर दिया है कि यहाँ ये सोर्स दूषित हुआ, ये तो निश्चित तौर पे है कि कागजों में मैं जाना नहीं चाहता कि कागज क्या कहते हैं कि ये हमारा सोर्स ठीक था, प्लांट था, हम लीपा पोथी करने वाले लोग नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास, आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर, ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं, उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च, अभी खरीदने के लाभ, 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ, तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800180872 पर।